जजों की कमी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले, भारत की न्यायपालिका का दुनिया भर में होता है सम्मान, जजों की जल्द होनी चाहिए नियुक्ति। देश का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक आज से होगा शुरू, पीएम मोदी करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का उद्घाटन, पहले दिन से शुरू होंगे 650 ब्रांच। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा का आज दूसरा दिन, नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे राहुल, 12 सितंबर तक चलेगी यात्रा। रफाइल डील को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम बोले, रफाइल पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि लोग भी उठा रहे हैं सवाल। पटना के आसरा होम में एक महिला की मौत, दो लापता, पुलिस ने दर्ज किया मामला, महिलाओं की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का नीतीश पर निशाना, नीतीश जी कृपया बिहार की बेटियों को बचा लीजिए। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का अनशन 8वें दिन भी जारी, दो दिन बाद ग्रहण किया पानी, 25 अगस्त से अपने आवास पर अनशन पर बैठे हैं हार्दिक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का राहुल गांधी पर विवादित बयान, राहुल को बताया मानसिक रूप से बीमार, कहा देश को कांग्रेस मुक्त कराकर रहेंगे राहुल। अयोध्या में राम मंदिर पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कार्य होना है वह होकर ही रहेगा, कोई टाल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर का बड़ा बयान, पीएम पद की दावेदारी पर राहुल का नाम सबसे आगे, देश को बचाने के लिए बनाया जा रहा महागठबंधन। नहीं रहे जैन मुनि तरुण सागर, 51 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, बीमारी के चलते कई दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर में आफत, गाजियाबाद में दो मंजिला इमारत गिरी, हादसे में एक की मौत, कई घायल। दिल्ली समेत एनसीआर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, गुरुग्राम से नोएडा तक सड़कों पर लगा जाम। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक जारी, सुकमा में आईईडी की चपेट में आए पुलिसकर्मी, धमाके में 4 जवान घायल। आज फिर बढ़ी तेल की कीमतें, दिल्ली में पेट्रोल 78.68 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 86 रुपये पहुंची कीमत, कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। एयर इंडिया की फ्लाइट में हंगामा, नशे में धुत यात्री ने सहयात्री की सीट पर फेंकी गंदगी, एविएशन मिनिस्ट्री ने मांगी रिपोर्ट। परमाणु संधि पर ईरान को पाकिस्तान का समर्थन, प्रधानमंत्री इमरान खान बोले दोनों देशों के रिश्ते सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने वाले एशिया कप में विराट कोहली को आराम, बल्लेबाज रोहित शर्मा होंगे भारत के कप्तान। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ब्रिज और मुक्केबाजी में भारत ने जीता स्वर्ण, ब्रिज में प्रणव शिवनाथ और मुक्केबाजी में अमित पंघल ने दिलाई जीत। और टेलीविजन पर कमबैक की तैयारी में जुटे कपिल शर्मा, समुद्र किनारे जॉगिंग करते आए नजर, अक्टूबर में नए शो को लेकर हाजिर होंगे कपिल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।